हाँ तो मित्रों की हालत है। मेरे नाम ने आप देखे टक्कू देखे तो भाई आज मन नहीं था सेटअप पे जाने के लिए, इसीलिए मैं नीचे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि मुझे 3-4 दिन पहले ही मिला था। मैंने देखा भाई साहब मुझे काफी जबरदस्त सॉफ्टवेयर लगा। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आज इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा भाई, जी लग जाएगा अगर आपने अभी तक ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर नहीं डाल रखी तो भाई सब जिंदगी बर्बाद है तोड़ दी। चल झूठा। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बता दूं भाई, ये एप्लीकेशन क्या होता है, आपका जो मोबाइल है ना भाई वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के द्वारा। भाई वो सिंपल सी बात है, तो कनेक्ट हो ही जाएगा। पर इस एप्लीकेशन के अंदर क्या फीचर है कि आपका जो प्रीमियर प्रो की पूरी सेटिंग होती है, आपके जितने भी शॉर्टकट बटन होते हैं या फिर कितने भी कट वगैरह का बटन होता है, सेलेक्ट करने का बटन होता है, वो उसके अंदर पूरा एक लेआउट बना हुआ है, पूरा ऑप्शन उसके अंदर मिल जाता है। मतलब एक टाइप से ये मान लो कि आपका मोबाइल रिमोट का काम करेगा जब आप उस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देते हो अपने ब्लूटूथ वगैरह से, और आपका जो प्रीमियर प्रो का वर्क होगा भाई बहुत इजी हो जाएगा। भाई मैंने यूज़ करके देखी, भाई मुझे तो बहुत आसान हो गया एडिटिंग करना, भाई साहब थोड़ा इजी हो गया मुझे। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जो फटाफट करनी पड़ती है, उसके अंदर ये वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। और भाइयों अगर आप मूवी देख रहे हो ना नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के ऊपर, आप अपना लैपटॉप दूर रख दो, उसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो, तो उसी से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसी के साथ आप कट वगैरह लगा सकते हैं, कट मतलब आप आगे कर सकते हैं अपनी वीडियो को और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे दिखाते हैं आपको इस वीडियो के अंदर कि आप ये ऑप्शन वगैरह, आप ये एप्लीकेशन वगैरह कैसे चला सकते हैं। हाँ तो भाइयों अब आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है टच फ्लो। भाइयों आप इसको प्ले स्टोर के ऊपर लिख देना तो उसके बाद सबसे पहली एप्लीकेशन आ जाएगी, और मैंने अपने मोबाइल के अंदर ये इंस्टॉल कर रखी है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों जब आप ओपन कर लेंगे इस एप्लीकेशन को तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद सबसे नीचे दिखाएगा ब्लूटूथ, तो मैं अभी अलाउ कर देता हूँ ब्लूटूथ को। तो उसके बाद जितने भी लैपटॉप आपने इससे कनेक्ट कर रखे हैं ब्लूटूथ से तो वो आपको इसके अंदर दिखा देगा, और अगर आपका लैपटॉप नहीं दिखाता तो आप इसको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना लैपटॉप पेयर कर सकते हैं अपनी लैपटॉप की ब्लूटूथ ऑन करके। अब भाई वो अगर आपको गाइड चाहिए तो आप गाइड पर क्लिक कर सकते हैं, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है तो वो आप ब्राउज़र में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको पेयर कर रखा है अपने लैपटॉप से। अब आप लैपटॉप की स्क्रीन देख लीजिए, लैपटॉप के अंदर आपको क्या डाउनलोड करना है और क्या क्या आपको लैपटॉप से, कौन सी वेबसाइट से आपको डाउनलोड होगा। तो मित्रों आप देख सकते हैं मैंने ये टच फ्लो वाली पीसी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है इसके अंदर, और साथ ही साथ मैं अब आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं पीसी के लिए, और अगर आपको iOS के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है इस एप्लीकेशन को तो मैं अब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी रन कर रखी है तो अभी मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर लिखा रहा है कि आप कनेक्ट योर स्मार्टफोन, ठीक है। अब मैं दोनों साइड बाय साइड दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन। तो अब मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, AJ मेरे लैपटॉप का ब्लूटूथ का नाम है। तो मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, और मोबाइल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ग्रीन मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है, और इसके बाद आपको ऑटो रन ऑन सिस्टम स्टार्टअप पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगी जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा। तो ऐसे ही आप इसको बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। अब इसका फीचर दिखा देता हूँ मित्रों कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो भैया इसको कट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जब आप अपना प्रीमियर प्रो खोलेंगे तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी प्रीमियर प्रो पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, और सिलेक्शन के टूल मिल जाते हैं, जैसे आप कट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पेन टूल ले सकते हैं, सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं। आप लैपटॉप की स्क्रीन में देखिए मित्रों, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक होने के बाद भी एकदम से यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। और देखो मैं अब आपको आगे करके दिखाऊंगा वीडियो। अब अगर तेज चलानी है तो मैंने इसको दो बार क्लिक कर दिया इस पे,
तो देखिए दो बार क्लिक करने के बाद तेज चल रही है। अब अगर मुझे यहाँ पे बीच में कट मारना है तो मैं कट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो कट के बटन पे क्लिक करने के बाद ही एकदम से देखो कट लग जाता है। और साथ ही साथ मित्रों अगर मुझे टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे ये आ जाता है। तो काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको मोबाइल से भी इसको एडिट करना है और काफ़ी जल्दी जल्दी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, आपको माउस से चलाने का मन नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन से वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आपको वर्ड चलाना है तो इसके अंदर आपको वर्ड भी मिल जाता है, और मैं अभी वर्ड खोल लेता हूँ। तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है और अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन पे आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। अगर मुझे ये बोल्ड करना है टेक्स्ट, तो देखिए मैं बोल्ड पे क्लिक करा तो एकदम से ये बोल्ड भी हो गया, और तो साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप भी कर देता हूँ तो वो भी चीज़ हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ, देखिए एकदम से पेज जूम हो जाता है, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह चलता है, वो भी ब्लूटूथ से। और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप एक बार कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ये इतनी जल्दी से डिसकनेक्ट भी नहीं होता। मतलब काफ़ी चीज़ें होती है कि काफ़ी बार ऐसी एप्लीकेशन भी आती है कि बार बार डिसकनेक्ट होती रहती है, पर इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। बस आपको लॉगिन करना है अपनी जीमेल से और उसके बाद आप सिंपली ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ये चीज़ें चला सकते हैं। अब आ जाते हैं भाइयों यूट्यूब की बारी। अगर आप दूर रख के अपना यूट्यूब देखना चाहते हैं तो आप वो कैसे देख सकते हैं? तो मैंने यूट्यूब के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आ चुका हूँ। तो मैं अब इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखिए एक क्लिक करते ही फुल स्क्रीन हो गया, एक क्लिक करते ही ये प्ले हो गया। अगर मुझे कट करना है तो मैं एक क्लिक करके यहाँ से क्लिक कट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं इसको आवाज़ भी कम करनी है अगर मुझे विंडोज़ की, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे म्यूट करना है तो मैं यहीं से म्यूट भी कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये एप्लीकेशन। अगर आपको दूर से कोई भी वीडियो वगैरह चलानी है तो आप वो भी चला सकते हैं, वो भी अपने ब्लूटूथ की मदद से। तो भाई आप जाकर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और भाई ये वाली अगर वीडियो ना देखी हो आपने डार्क वेब के बारे में, तो ये भी देख लेना जाके मेरे चैनल के ऊपर। तो बस मित्रों आज के लिए इतना इस वीडियो के अंदर, जाके कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट चलाना है तो वो मिल जाता है, नम पैड भी मिल जाती है। देखो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मुझे कुछ भी नम पैड में टाइप करना है तो यहाँ पे नम पैड भी मिल जाती है। तो सभी चीज़ें आराम से आप कर सकते हैं। बस एक मुझे ड्रॉबैक लगा, इसके अंदर कीबोर्ड नहीं मिलता। अगर कीबोर्ड भी मिल जाता ना तो भाई मज़ा आ जाता, हम अपना वायरलेसली कीबोर्ड से ही सब सर्च वगैरह कर सकते थे दूर रख के लैपटॉप को। तो शायद ये आगे अपडेट में दे दे, या फिर मैं इनके फीडबैक में तो ज़रूर डालूंगा कि मैं कमेंट में जाके प्ले स्टोर के ऊपर कि आप कीबोर्ड का ऑप्शन भी अनेबल करें। और अगर आप नेटफ्लिक्स भी देखते हैं तो नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है इसके अंदर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये पसंद आए ना तो लाइक करके जरूर जाना मित्रों। हाँ तो मित्रों कैसी लगी एप्लीकेशन? तो भाइयों अगर तुम्हें ये एप्लीकेशन पसंद आई हो ना तो जाके कमेंट में जाके जरूर बताइए। और भाई साहब आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम, जाके पहले तो इसे लाल बटन को दबा दो और घंटा भी दबा दियो साथ ही साथ में। और भाई मैं रोज वीडियो बना रही हूँ तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं कल को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा 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 खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया 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 बैठा खुशिया।